हेलो दोस्तों, मैं विदल, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज भाई बहुत से कमेंट करके कह रहे थे भाई प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन दिखाओ गाड़ियों का कैसे होता। तो ये भाई अपने सामने खड़ी है अर्टिगा VXI CNG, तो VXI CNG सॉरी कह रहा भाई VXI गाड़ी है। और किसी को कुछ भी क्वायरी है ना भाई, इंस्टाग्राम स्क्रीन पे शो हो रहा है, वहां जाकर मुझसे पूछ सकते हो। और भाई किसी को अपनी गाड़ी डिलीवरी बतानी है भाई, गुड़गांव में मैं रहता हूँ, गुड़गांव में डिलीवरी ले रहे हैं। तो भाई किसी को अपनी स्पेशल एक दिन बनाना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो भाई, तो आपकी भी डिलीवरी वीडियो ऐसी बन जाएगी जो मैंने पहले डाल चुका हूँ। तो भाई अब बात करते हैं भाई प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। बहुत से कमेंट कर रहे थे भाई बनाओ यार कैसे, मतलब हम चेक करें गाड़ी लेते टाइम क्या देखें हम उसमें ऐसा कि जो हम लेते टाइम देख सकें। तो भाई सबसे पहले बात करूँ ना मैं को भाई अपनी गाड़ी को, पहले तो भाई चारों तरफ घूम जाओ। सबसे पहले भाई चारों तरफ घूम के देखो कि कैसी है भाई गाड़ी की, मतलब पेंट क्वालिटी कहीं से उखड़ी हुई तो नहीं है, कहीं से डेंट लगी हुई तो नहीं है। अभी भाई इधर से थोड़ी धूप पड़ रही है ना, माइंड मत करना। अभी जैसे आप देख पा रहे होगे कहीं भी मैं आप देख रहा हूँ तो पेंट की क्वालिटी नहीं है। आप थोड़ी ना रोशनी में थोड़ा एंगल पे देखना, कहीं भी डेंट नहीं हो छोटा सा भी तो वहां देखना कि भाई कोई स्क्रैच वगैरह कुछ, मतलब थोड़ा हल्का सा डेंट ऐसे साइड से होके देखना तो आपको पता चल जाएगा। कहीं भी डेंट हो तो भाई वहीं मना कर देना डायरेक्ट कि भाई मैं गाड़ी नहीं ले रहा। डेंट छोटा सा भी हो वो बिल्कुल आपको भाई बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे आपको नई गाड़ी देने का, बिल्कुल। चाहे उसके लिए आपको शायद 2-3 दिन वेट करना पड़े तो कर लेना भाई। तो ऐसे अपना भाई थोड़ा लाइट्स चेक करना, अपनी लाइट चला के एक बार भाई लाइट जलाइयो। जैसे भाई अपने लाइट वगैरह चलाओ, इंडिकेटर दबा के देख ले भाई, तो अपने इंडिकेटर भाई चला के देखो पहले तो लाइट वगैरह हैलोजन अपने प्रोजेक्टर काम कर रहे नहीं कर रहे, तो इंडिकेटर वगैरह आपने भाई बीच वाला लाल वाला, तो भाई अपनी हाई बीम भी देख लो। और एक बार चारों इंडिकेटर भाई को समझ नहीं आ रहा थोड़ा, वो देख रहा हाँ रेड वाला देख लो भाई, सामने से अपने चारों इंडिकेटर चल रहे हैं, बढ़िया काम कर। वाइपर चला के देख लो भाई एक बार, और अंदर अपने भाई एक बार ये देखो अपने डोर हैंडल वगैरह पे भाई पेंट क्वालिटी कैसी है। पीछे एक बार अपनी लाइट चेक कर लो, और जो भी आप भाई गाड़ी ले रहे हो सेंसर वगैरह देख लो भाई, सेंसर सही से फिक्स है नहीं है। नीचे से अंडर बॉडी देख लो कहीं से लगी भी तो नहीं है, यहाँ से पूरी जैसे भाई बिल्कुल, ये तो पन्नी पैक नई गाड़ी आई है अपना, बढ़िया भी लग रही है गाड़ी। और यहाँ की लाइट चेक कर लो भाई, कोई सी के फ्यूज बल्ब तो नहीं उड़ा हुआ। और अपने जैसे भाई डिग्गी खोलते ना तो सबसे मेन चीज भाई यहाँ देखो, यहाँ पेंट का भाई यहाँ से डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं से ठुकी हुई तो नहीं है। यहाँ से देखो भाई अपना, यहाँ से इधर से कहीं से ठुकी हुई तो नहीं है भाई। मारुति की हर गाड़ी में यहाँ कोने पे ऐसा मोटा सा पेंट रहता ही है क्योंकि जिससे जंग ना लगे। कभी सोचो भाई यहाँ पेंट क्वालिटी बेकार है तो उससे कभी माइंड मत करना, सभी गाड़ियों में ऐसा होता। मारुति की पूरे एजेस चेक कर लो भाई, कहीं पे भी कुछ नहीं है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में, तो अपने भाई वहीं क्लियर कर दो गाड़ी अपना सही है। और ये है ना जो अपने हर दरवाजों की भाई रबर देख लो कहीं से अगर बेकार तो नहीं, कटी हुई तो नहीं है, फटी हुई तो नहीं है, ये पाइप वगैरह हो गए। और अपना भाई फिर एक बार जाके अंदर यहाँ देखो, इधर ये ना जो रबर ये जो इससे चिपका हुआ है इसको देख लो भाई, ये सही से तो बिल्कुल लगा हुआ है ना, ये पूरी जंग वंग कहीं से तो नहीं लगी हुई ना। अंदर तो अपना भाई जो होता है इंटीरियर वगैरह में तो ज्यादातर कोई दिक्कत आती नहीं, फिर भी आती है ना तो इस पार्ट में आती है, अगर आती है तो ये जो होता है यहाँ से कहीं वो होती है स्क्रैच होती है अपना भाई, ठुका हुआ होता है या टूटा हुआ होता है या नीचे कहीं लगी हुई होती है यहाँ इस जगह, ये देख लो कहीं पे भी स्क्रैच नहीं है। थोड़ी भाई मिट्टी का निशान है कभी समझो भाई स्क्रैच वगैरह, ये मिट्टी चढ़ने उतरने का साफ करते टाइम हो जाता है ऐसा। अपना इसका साइन वो बज रहा है ना, लाइट ऑन है तो एक बार बंद कर देते हैं। और ऐसा कुछ है अंदर से इंटीरियर नई गाड़ी का, और जो एक बार पीछे से बैठ के और देख लेते हैं। तो जो मेन है ना वो देखो एक बार भाई, ये सॉकेट वगैरह चेक करके कैसे सॉकेट है, ठीक भी काम कर रहे नहीं कर रहे हो, जो खोल के एक बार चला के जरूर देखना भाई। ये सब मेन चीज है, मैं आपको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन डिलीवरी लेने से पहले बता रहा हूँ क्या क्या है। म्यूजिक इंटरटेनमेंट मैंने भाई चला के अभी देखा, बिल्कुल सही चल रहा, काम कर रहा। अपनी सीट क्वालिटी देख लो भाई कैसी है, कुशनिंग वगैरह ठीक है कि नहीं है, एसी वगैरह ये देख लो, वेंट वगैरह सही चल रहे नहीं चल रहे, ये अपना ये और ये अपना बटन भाई ऊपर नीचे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें भाई मेन अपनी देखने की होती है। सीट बेल्ट देख लो भाई इधर से, सीट बेल्ट सही काम कर रही है नहीं कर रही, यहां से ये देख लो, मतलब ये छोटी मोटी छुटपुट चीजों में भाई डिफेक्ट आता है अगर आता भी है तो। इंजन वगैरह में तो जहां तक है ना भाई आएगा नहीं, अगर आएगा तो वो एक महीने बाद ही पता चल पाएगा, इंजन वगैरह में शुरुआत में कभी आता भी नहीं है। और एक बार इंजन और खोल लेते हैं, यहाँ भाई सफाई चल रही है, नई गाड़ी बिल्कुल अभी जाने वाली है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन ही हम कर रहे हैं इस गाड़ी का।
फिर एक बार इंजन और खोल लेते हैं। और जो एक चीज और भाई, शीशे अप डाउन जरूर करके देखना अपने सारे शीशे, चाबी लगा के जैसे आप लगाओगे तो अपने जरूर चेक करना ये सब। और एक बार खोल लेते हैं, ये देख लो भाई अपना, ये देख लो इंसुलेटर लगा रखा पूरा बढ़िया भाई, बैटरी वगैरह इसके पूरे कपलर चेक कर लो कैसे फिटिंग कर रखे हैं, तार वगैरह कहीं से कट तो नहीं है, पूरे इंजन में एक बार जांच कर लो। ये पेंट वगैरह क्वालिटी तो भाई ऐसी होती है, सेम कभी माइंड करो कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपने ये वॉशर देख लो, वॉशर सही से प्लेस तो है सारे के सारे, यहाँ से कहीं डिफेक्ट तो नहीं। सबसे मेन होता भाई यहाँ से देखना, अगर ठुकी भी होगी ना तो यहाँ से अपना डेंट पड़ जाता है, और लाइट जो होती है ना यहाँ से, ये इधर से पूरा क्रैक पड़ जाएगा अगर यहाँ से कुछ भी बात होगी तो। ऐसे देख लेना भाई अपने, खोल के पूरी गाड़ी की इंस्पेक्शन ऐसा कर लेना, यहाँ से ठुकी भी होती है ना तो यहाँ से दिख जाता है ये वाला जो लोहा है, तो ये पिचका हुआ होगा, इसमें डेंटिंग पेंटिंग हो रखी होगी अगर कोई भी गाड़ी ठुकी हुई होती है। जहां तक भाई मारुति ऐसा कभी करती नहीं, अगर करती होगी तो वो भाई डीलर शोरूम वाले ही करते, मेनली वही होते फ्रॉड पीछे से भाई, इसलिए अपना जरूरी है चेक वेक करना ये सब। फोग लैंप्स की प्लेसिंग है तो फोग लैंप्स की प्लेसिंग अपने देख लेना सही से बिल्कुल फिटिंग है कि नहीं है। तो ये सब चीजें भाई मैंने आपको बता दी है। ORVMs की बात करूं तो भाई ORVMs इसमें फोल्डेबल नहीं है, ऐसे हाथों से ही फोल्ड करना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे खोल के अपना सेट करना पड़ेगा। गेट वगैरह मैंने आपको बता दिए, हैंडल अंदर से देख लो भाई कैसी है। और एक चीज और रहेगी भाई आपकी, एक चीज ये रहेगी भाई अपने टायर्स की, ये देख लो डेट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ सारी लिखी होती है अपने, यहाँ देख लो 185/15 इंचेस के हैं। और अपना भाई ये अपना अलॉय व्हील्स की वो जो भी होती है आपके स्टील व्हील है या वो है अपने, ये देख लो प्लास्टिक में क्या है। और एक इसकी अपनी स्टेपनी वगैरह देखनी है तो यहाँ से एक बार चेक कर लो भाई, स्टेपनी का टायर नया तो है या सही भी है, जो अलॉय व्हील आपको मिल रहा है वही मिल रहा है ना सेम, तो ऐसा अपने यहाँ से देख लो। मतलब यार लुक बढ़िया आती है अपने, देखो तो यार नई गाड़ी लेने जा रहे हो एक बात हो जाती है बढ़िया, गाड़ी लगती भी बढ़िया देखने में। तो ये अपने भाई की, सब्सक्राइबर भाई की नई गाड़ी है, जिन्होंने डिलीवरी वीडियो नहीं देखी ना उनकी तो वो भाई आई बटन में जाके देख लो। और किसी को भी भाई अगर डिलीवरी वीडियो अगर चाहते हो कि भाई हम भी आपके साथ कोई वीडियो बनाए, आपकी भी वीडियो रहे यूट्यूब पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं अपने भाई गुरुग्राम में रहता हूँ, और अपने हरियाणा से निकली हुई गाड़ी है एक अपने भाई की, और ऐसा कुछ है अपने भाई, गाड़ी दिखने में बढ़िया लग रही है वाइट कलर। और अभी भाई अपना कर रहे हैं साफ सफाई क्योंकि जाने के लिए तैयार है। तो ये था भाई वीडियो अपना प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन को लेके, और वीडियो कैसा लगा भाई प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, ओके बाय बाय।